होगा। पीर साहब आप आगे आ जाओ, बैठो बैठो। नहीं नहीं आगे आ जाओ, नहीं बैठ, मैं पीछे ज्यादा कंफर्टेबल हूं। सीट थोड़ी आगे कर लो। फ्रंट सीट सीट है। Here comes Bilal Zeb. जिसको हम जिम कहते हैं, बिलाल ज़ेब टीम में आऊंगा, सेलिब्रिटी बन जाऊंगा, जिनको हम पीर साहब कहते हैं, और सभी आई रियली लाइक देम। मेरा इनके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरता है, वो मेरा बड़ा ख्याल करते हैं। नहीं नहीं सुना, फिट फाट है, कैसे कैसे तरह चक्कर लगा? मुझे अंदर तो आने दे यार, गेट क्यों बंद कर दिया है? तरबेला में आता हूँ, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि मैं तरबेला हूँ, सो इट इज सो मच फन। तरबेला में आपको जानवर भी नजर आएंगे। तरबेला बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे आपको पहाड़, जंगल, दरख्त, खूबसूरती, खामोशी, दरिया सब कुछ मिलता है। जैसे मैंने आपसे कहा था यार, मैं अपने दोस्तों के साथ फिर रहा हूँ, उस वक्त तरबेला आया हूँ, चिल कर रहे हैं हम लोग, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जी मैंने इतना जबरदस्त गाना गाया यार, तुझे मेरा गाना नहीं पसंद? अभी मैं किसी टाइम फारिग हूँ, अगर मुझे ऊपर से थॉट आए मैं तो जवाब वीडियो बनाऊंगा। क्यों, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं और हम लोग सही इंजॉय करते हैं जब भी मैं तरबेला आता हूँ। इसी तो मैं हर संडे को पहुँच जाता हूँ तरबेला, और हमें भी इंतजार होता है इतनी शिद्दत। ख्याल मेरा ये है कि यार इतवार को आ जाए ठीक है, लेकिन जब कंटेनर लगे हुए, रोड पूरा बंद हो, पूरा पिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और तोरखम बॉर्डर तक हर रास्ता बंद हो, उसके बावजूद भी एक बंदा आपके पास आए, तो आप खुद बताएं। मैं मेरा सवाल तो आपसे कि आपको कैसा लगेगा? हमारे अपने 1500 काम है भाई यहाँ पे, ठीक है ये आ जाता है ठीक है, फिर कहते जी मुझे प्रोटोकॉल दो। भाई रास्ते बंद है, सबको पता है रोड बंद है, रोड ब्लॉक है भाई, मत जाओ यारा। तो मत जाओ उसका मतलब यही है कि भाई मत जाओ, हम तो ये कहते हैं कि जी ना आया करें। मुझे बस कहो अच्छी अच्छी बातें करो मेरे साथ, यार हमारे पास कहाँ टाइम है, हम खुद 5-6 दिन उधर दफ्तर में जलील हो गया। हर इतवार को आ जाता है, बेसिकली उसका नाम असद है, उसने अपने आप को खुद ही वोट कहना शुरू कर दिया, तो हमें भी ज़बरदस्ती वो कहता है कि हमें वोट कहा जाए, तो उसका नाम असद में असद है, तो मेरे ख्याल में असद अच्छा नाम है वोट से, तो उसको यही रखना चाहिए। और वो अगर आज हर इतवार को तरबेला आता है तो आने दें, किसने रोका है उसको? 2 दिन सुकून करने के लिए हम किधर अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं। तो ये सबसे जो मुश्किल काम होता है दफ्तर में मेरे लिए यही होता है, ठीक है कि एक बंदे पे सही तब चढ़ रही होती है और उसे कहते हैं नहीं नहीं सर बस करते हैं आपका काम हो जाएगा बस। ये तो यहाँ पे हम बेसिकली उससे बहुत तंग है, और लेकिन वो लोगों को ये कहता है कि जी दोस्त बड़े खुश हैं, तो ये खुशी वाला चेहरा आप देख सकते हैं। वो खुश होता है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, हमने तो अपना टाइम उसको देना है जो है 30 मिनट्स। मैं कितना खुश हूँ चेहरे पे, मेरे गालों पे लाली भी देख सकते हैं, रेड लिप्स नज़र आ रहे हैं आपको मेरे, ये भी देख सकते हैं मैं कितना खुश हूँ, एक्स्ट्रा खुश हूँ। इसी तरह हम सब खुश होते हैं। 30 मिनट्स के ज़्यादा उसके साथ टाइम गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई, हम सख्त तंग हैं इसके आने से तरबेला, ठीक है, और बिल्कुल हमारे अपने 1000 काम होते हैं, इसकी वजह से हम फंस जाते हैं। इसकी ज़िंदगी में कुछ असूल हैं, बड़े ख़तरनाक असूल हैं, उसके बड़े मसाइल हैं लाइफ में, उसके अपने असूल हैं, उसके अपने जो है ना तरीक़ेकार है ज़िंदगी गुजारने के। बड़ा इरीटेट होते थे, ठीक है ना, बड़ा ही इरीटेटिव सा बंदा था, बचपन से बड़ा इरीटेटिव सा बंदा था। वो आता है तो एक्सपेंस भी हो जाता है, खाना भी हमें खिलाना पड़ता है, जो कि पहले है कि पहले उसके पास पैसे होते थे, हम उससे खाते थे, जो कि बड़ा अच्छा लगता था, बड़ी अच्छी फीलिंग होती थी। जब ये गरीब होता था इसको हमें समोसे खिला देते, ठीक है, ऊपर से फिर मसला ये कि कहते मुझे प्रोटोकॉल भी दो ना, और साथ फिर कहते कि मैं उदास हूँ और मुझे मेरे से अच्छी अच्छी बातें करो और हम मेरे से गाने सुनो। यार तू बहुत प्यारा है, लेकिन आजकल उसके हाथ में कुछ नहीं है, तो मुझे बड़ा मसला होता है कि वो जब भी आ जाए, मतलब 500-1000 रुपये का जो खाना है वो मुझे खिलाना पड़ जाता है। 30 मिनट से आप ज़्यादा गुजार लें तो बस फिर आप जो है ना बहुत ही आप में कुव्वत बर्दाश्त है। ये हमारे बस की बात नहीं है भाई, गाड़ी में सिगरेट नहीं पीने देता मैं, वुड जो है ना उसके साथ 30 मिनट से ज़्यादा गुजार ली। वीडियो बन रही है, एक तरफ वो कह रहा है कि हम उसके बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, तो मतलब बीइंग अ बेस्ट फ्रेंड हमें पता ही नहीं है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड्स कौन है और वो किन लड़कियों के साथ फिर रहा है। बेसिकली वुड को अगर मैं डिस्क्राइब करूं एक लफ्ज में, ठरकी। हाँ एक दफ़ा इसको मैं पूरी फंटा गिर गई थी। क्या कर रहा है, किन के साथ उसके अफेयर्स हैं, वो ये बड़ा उसके बारे में पॉजिटिवनेस उसका शिकार है, मतलब ये कि कुछ शेयर नहीं करता ऐसी बातें। अगर उसको मैं चॉइस दूँ कि यार के एक तरफ तेरा दोस्त है और एक तरफ बच्ची है, तो वो दूसरी तरफ जाएगा बच्चे की तरफ। इवन शुरू में कोई नाम ही बता रहता था, अभी तो नाम ही भी नहीं बनाता, कोई मैसेज आए तो 10 मील दूर भाग जाता है, कोई पढ़ ना ले। जब उसके पास खुशका होता है
जब वो कड़का होता है उसके पास कुछ करने को नहीं होता, उसकी जो फ्रेंड है उससे नहीं मिलती, या कोई कॉल आ जाए तो वो बस मतलब गाड़ी में छुप जाता है, गाड़ी लॉक कर देता है, गाड़ी के अंदर किसी को नहीं बैठने देता, तो तब उसको यारा की यारी और तरबेला याद आता है, फिर को कहता है आई मिस तरबेला, ओ गॉड मैं आ रहा हूं तरबेला, और इधर आके छलांगे मारता और ये करता है, एक वीडियो जो उसने बनाई हुई है। कराची गया हुआ इसके साथ, मुझे पता है इसने क्या क्या हरकतें की है वहाँ पे, मतलब लड़कियों को आधी रात को ये नींद से जाग के बातें करता था, मैं जब पूछता था कौन है तो बताता नहीं था मुझे, तो मैं कैसे इसका बेस्ट फ्रेंड हो गया। गाड़ी खड़ी कर देगा ठंड में रात को मोटरवे पे और कहेगा यार चल उतर के सिगरेट आराम से पी ले, मगर गाड़ी भी नहीं पी रहा। ये एक फ्लर्ट आदमी है, अपने असूलों पे कंप्रोमाइज नहीं करता, कि मुझे जरा गिटारिस्ट बनने का शौक था तो उसमें ही मेरी बड़ी बेइज्जती करता था, ऑल्दो कि मैं बड़ा अच्छा गिटारिस्ट हूँ तो गिटार में सपोर्ट नहीं है। बाकी मुझे इसने और सेवर भी इसने मुझे बड़े ज्यादा खिलाए हैं, मुझे तो अब याद भी नहीं है। हम सेवर बैठे हुए थे ठीक है, तो वेटर कोई 8 ग्लास फेंटा लेके आया और असर ने सिर्फ गर्मियाँ थी, असर ने एक बनैन पहनी थी, चड्डी पहनी थी जिसपे हमें सी नफरत होती थी, हम कहते थे यार ना पहन, कहते थे नहीं यार गर्मी रोकती है। वो फेंटा वाला वो आया पीछे, भाई इधर पीछे खड़ा हुआ था, उसके 8 के 8 ग्लास गुमन के ऊपर गिर गए और गुमन खट्टा मीठा होके बाहर निकला, कहता है बस आइंदा मैंने सेवर नहीं आना, आइंदा मैं सेवर नहीं आऊँगा। वो अलग बात है, फिर ऊपर गए तो इसने मुझे अंदर भेजा, कहते यार जाके 2 पैक करा के ले। मतलब ये ड्रामा असल में है तो ये एक्टर ना, तो एक्टिंग करता है ना, मतलब तो एक्टिंग एक्टिंग बड़ी अच्छी करता है। और ये जो शो कर रहा है कि हम उसके बेस्ट फ्रेंड हैं, मतलब इसके अपने मफादात होंगे उसमें, कुछ हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हमें अभी सच कुछ लगा नहीं है, मैंने एग्जांपल दे दिया आपको कि उस... लेकिन जब उसको बच्ची बोल दे कि आ जाओ जानू या जो भी एक्स वाई जी है तो वो जाएगा, मतलब जो भी उसके काम होंगे वो जाएगा, जब बच्ची उसको बुला लेगी तो वो उसको दोस्तों की आवाज़ और दोस्ती उसको हफ्ता एक तक उसको नहीं बिल्कुल दोस्त वगैरह नजर आएंगे, हफ्ता एक बाद जब उसको जो है ना कोई उसको उसका मीटअप नहीं होगा, कुछ कैचअप शैचअप नहीं होगा, कोई सीन कोई डेट वगैरह कुछ नहीं होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको कहेगा यार ये वो, बाकी जब तक तो उसके बच्ची होगी वो ना कोई मैसेज का रिप्लाई करेगा, उसे कॉल करो आपका नंबर भी नहीं उठाएगा। मेरे साथ खुद इस तरह हुआ है कि मैं जब उसे कॉल किया तो मेरा नंबर नहीं उठाया, बाद में कहते 2-1 दिन बाद, हाँ यार जिम्मे तेरे 2 दिन पहले कॉल आई थी यार, मैं 2 दिन बाद पहले कॉल की थी तो तू अभी मुझे 2 दिन बाद कर रहा है, अभी क्या फ़ायदा उस चीज़ का यार, मैं बिजी था बस एक वर्ड। और अगर कोई मतलब है कोई जनाना आवाज़ किसी दूसरी तरफ से आए, चाहे वो कोई कॉल सेंटर की लड़की है, चाहे कोई रेडियो पे आने वाली, चाहे वो कुछ भी है, तो वो बस जो है ना बस यस है, काम यस है, चाहे कोई टिंडर वाली लड़की है, चाहे कुछ भी है बस यस। जब तक बच्चियाँ हैं तो बस उसके उसकी लाइफ में सिर्फ एक चीज़ है बच्ची, दूसरी चीज़ भी है बच्ची और तीसरी चीज़ भी है बच्ची, दोस्ती मोस्ती तरबेला शरबेला ये पाँचवे चौथे नंबर पर है, जबकि मतलब आपका जब वो कोई आपके पास चॉइस जो सी आपकी ख़त्म हो जाए तो उसके बाद दोस्त भी है, उसके बाद क्या कहते हैं तरबेला भी है, उससे पहले बच्ची है।